नमस्कार, एमडी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीश्री। तो जैसा कि आप सबको पता है, लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश की 10 ऐसी सीटें हैं जहां पे अब उपचुनाव होना है। तो चलिए, अभी हम आ गए हैं फूलपुर में, और फूलपुर के हनुमानगंज के जमनीपुर गांव में। यहां पे हम आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहां की भीड़ है, यहां की जनता है। तो जैसा कि आप सबको पता है, फूलपुर में उपचुनाव होने जा रहा है। तो आज हम जानेंगे कि यहाँ जमनीपुर के जो लोग हैं उनका क्या मूड है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या मुद्दा लेके जाएंगे वोट करने, वो किसको अपना नया विधायक देखना चाहेंगे। तो ये सारी चीज इनसे जानेंगे और आपको भी बताएंगे। तो चलिए, आप बताइए कि इस बार आप क्या मुद्दे लेके जाएंगे वोट करने। मैम धन्यवाद आपका, कम से कम आप हमारे कछाई क्षेत्र में आई और हम इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं और आई होप वेलकम करते हैं। मैम, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है ये नेहरू जी का क्षेत्र है और बहुत पॉपुलर लोकसभा सीट है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि अभी काफी हम लोग चाहे सामाजिक क्षेत्र से, चाहे आर्थिक क्षेत्र से, चाहे राजनीतिक क्षेत्र से, हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। समाज 19वीं-20वीं सदी की बात करते हैं, अभी हमारे चाहे एजुकेशन कार्ड मार्कियर हो या इकोनॉमिकल चीजें हैं, ना तो हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल एरिया कोई है, ना तो पॉलिटिकल इतना कोई स्ट्रांगनेस हमारे यहाँ लीडर है जो हमारे इस फूलपुर को लीड कर सके बेहतर से। तो मतलब विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। श्योर श्योर श्योर, व्हाई नॉट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे विकास का मुद्दा अहम होगा। तो आप बताइए कि आप किस तरह का मुद्दा लेके जाएंगे, क्या मुद्दा लेके? देखिए, इसमें वर्तमान में महंगाई, भ्रष्टाचार, थाना, फूलपुर, तहसील सब भ्रष्टाचार पे चल रहा है। बिना पैसा दिए अगर जनता कोई जा रहा है तो पैसा पहले दीजिए, तो उसके बाद काम कराइए। योगी सरकार को बनाया गया, लेकिन इन्होंने न तो भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर पाए, न महंगाई पे कंट्रोल कर पाए, न किसी पे कंट्रोल कर पाए। वर्तमान समय में हम लोग ये चाह रहे हैं कि ये नेहरू जी का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में मनीष मिश्रा जी एक संपन्न व्यक्ति हैं और जो अच्छे से चुनाव लड़ेंगे। और ये ब्राह्मण वालों का क्षेत्र है, ब्राह्मण और यहाँ के हर जात हर कास्ट उनको वोटिंग करेगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पे विकास बहुत अहम मुद्दा है। उसके बाद जिस तरह से इनका ये कहना है कि हाँ, जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार पार्टी है। चलिए, आप लोग बताइए कि आप लोग किस तरह का अपना विधायक देखेंगे, इस बार कैसा विधायक देखना चाहेंगे? विधायक बढ़िया देखेंगे, बढ़िया देखना चाहेंगे। कैसा? तो अभी के विधायक आप बताइए किस तरह से काम किए हैं, जो भी आए हैं? कुछ नहीं, खा पी के बैठा है। जी अच्छा, खा पी के बैठा। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि जो विधायक अभी तक रहे हैं वो यहाँ पे कोई काम नहीं किए। तो आप लोग बताइए कि आप क्या सोच के इस बार वोट करेंगे? हम तो सोच रहे हैं, हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है। जी, क्षेत्र पीछे है, बहुत पीछे है। उसके बाद जो है यहाँ सारा थाना से लेके जहाँ भी जाएंगे हम लोग, बगैर घूस पैसा दिए हम लोग के कुछ नहीं होता। जी, कोई सुनवाई नहीं है। जी चलिए, आप बताइए कि आप क्या समस्या देखते हैं अपने गाँव में? वही सड़क देखा था, और कुछ दिखा नहीं। अच्छा, और कोई समस्या नहीं है? और समस्या बहुत बा, लेकिन वही सड़क जोन घर द्वार बना वो गिरा जा रहा था। जी। और 8 लाइन हो गया, और खाना पीना के बस वही और कुछ बा नहीं। अच्छा, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो समस्या है वो यहाँ रोड की समस्या है। और आप बताइए बाबा, आप क्या समस्या देख रहे हैं अपने क्षेत्र में? किस तरह की समस्या देख रहे हैं? ठीक है, सुनाएंगे। हमारे मिश्रा साहब यहाँ के बहुत जने के तख्ता बदल दी है, सीढ़ी लगाई दी है। हम पचे सीढ़ी पर लगाए कहीं आगे बढ़ गए। अब भाई जे नहीं नौकरी छोड़ के चला आए तो सीढ़ी पर से उतर आए तो कहाँ चढ़े? हमारा सब कट भैया मिश्रा साहब जीवन अभारी है। अच्छा, हाँ तो आप बताइए बाबा, आपको क्या लगता है कि हाँ आपको किस तरह का विधायक चाहिए? हम लोगों को पढ़ा लिखा जी, जो पार्लियामेंट में बोल सके, विधानसभा में बोल सके, गूंगा बहरा नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि गूंगा बहरा विधायक इनको नहीं चाहिए, जो विधानसभा में अपनी बात रख सके, लोगों की समस्या रख सके, वैसा विधायक चाहिए। चलिए, आप बताइए कि आपको क्या समस्या आप अपने क्षेत्र में देखिए? हमारे क्षेत्र में अगर समस्या की बात करते हैं तो बड़ी समस्याएं हैं, शिक्षा की भी समस्या है। अगर सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे जानवरों की समस्या है, जो कि बहुत ज्यादा उत्पीड़न किसान का भी हो रहा है, जो कि अगर हम लोग रात में जागते जागते जो है थक जाते हैं, लेकिन जो है जानवर की कोई सरकार में व्यवस्था अब तक नहीं हुई है। कहते हैं कि हमने बाड़ा बनवाया, ये बनवाया, लेकिन वह सब एक औपचारिकता है, ऑन पेपर चलता है। दूसरी समस्या महंगाई की है।
अगर हम दिन में 200-300 पैदा करते हैं तो उसमें 200 रुपए किलो की दाल है, तमाम समस्याएं हैं, तो हम लोग वहां तक भी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई की हो गई। उसके बाद सबसे बड़ा समस्या, अगर हम लोग पढ़ लिख के कुछ परीक्षा में अगर बैठते हैं तो वहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। ये कहते हैं सबका विकास करना था, लेकिन जब वहाँ पे इनके बड़े अधिकारी अगर पेपर लीक कर रहे हैं, सारी समस्या का जड़ वही है, तो आम जनता तो पहुँच ही नहीं पा रही है। और हम लोग इस बार जो है क्षेत्रीय नेता का हम सब लोग उन्होंने विचार बनाया है, तो किसको आप वोट करेंगे? तो हम लोग यही चाहते हैं, हम लोगों के यहाँ के मनीष मिश्रा जी, जो कि कोरोना के समय में यहाँ के जो पूर्व सांसद जी थे, वो अपने क्षेत्र में शंकरगढ़ में ले जा करके सरकारी व्यवस्था को प्राप्त कराया। यहाँ पे सिर्फ केवल जो है मनीष मिश्रा जी के द्वारा हम लोग वितरित करने वाले हैं, चाहे वह कोरोना का टाइम रहा हो, चाहे वह बाढ़ जब आती है तो पूरा गांव घिर जाता है बाढ़ से, वहां भी हम लोग जो है उनकी मदद करते हैं क्षेत्र में ले जा करके उनकी व्यवस्था। ठंडक के समय में वह जो है गरीबों को जो है कंबल वितरण करते हैं, मतलब वो अपना जो है जितना अधिक से अधिक सहयोग करते हैं इस क्षेत्र में, पूरे विधानसभा में करते हैं, और जो भी उनके पास पहुंचते हैं वो सबकी सुनते हैं, सब में जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि आपने भी मिश्रा जी का नाम लिया था, तो ये बताइए कि इंडिया गठबंधन से सुरेश यादव और हलीम अंसारी जी भी हैं दावेदार, तो आप बताइए कि हाँ मिश्रा जी ही क्यों? देखिए मैम, एक्चुअली क्या है, मिश्रा जी हमारे यहाँ के लोकल है जी। आई होप जो लोकल रहता है वो क्षेत्र के बारे में उससे बेहतर हमारे समझ से तो कोई नहीं जानता। आई थिंक मिश्रा जी द बेस्ट। अच्छा, मिश्रा जी बेस्ट। चलिए आप बताइए कि बीजेपी तो कहती है उसने बहुत विकास किया, तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी की सरकार में बीजेपी के ही बड़े नेता जनता को लेकर के डूब गए और जनता को परेशान कर रहे हैं, वो अपनी जेब भर रहे हैं जी। हम लोग क्षेत्र के नेता को अपना अगर चाहते हैं जी, तो हमारे हर जात हर वर्ग जी, वो मनीष मिश्रा को चाहती है। क्षेत्र की नेता अपना अपनी कुर्सी बनाना चाहते हैं जो है कि हम मनीष मिश्रा को बैठा करके हमारी जनता को सुविधा व्यवस्था मिले। अच्छा, तो जैसा कि जो उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, तो ये बताइए कि इंडिया गठबंधन से मनीष मिश्रा जी या फिर कोई अन्य कैसे आ पाएगा? नहीं, अगर टिकट मिलता है, पार्टी को चाहिए कि हमारे योग्य नेता को दे। हम लोग अपने नेता को देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे नेता को दिए, अभी तक सांसद विधायक बन के गए, हमारे क्षेत्र में जनता के बीच में कोई आता नहीं, कुछ करता नहीं, और जो बनते हैं अपनी जेब के लिए बनाते हैं, तो हम लोग इसीलिए मनीष मिश्रा को चाहते हैं। हमारे क्षेत्र के नेता हैं, सुख और दुख में पहुंचते हैं सबके पास, और उनको हम लोग चाहते हैं पार्टी टिकट दे और यहाँ से भी जीत करके जाएं। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिस तरह से माहौल बन रहा है वो इंडिया गठबंधन के तरफ झुकाव ज्यादा है, तो चलिए आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंडिया, अगर इंडिया गठबंधन से सपा को टिकट मिल गया तो आप किस तरह से सहयोग करेंगे? सपा को सहयोग करेंगे। चलिए चलते हैं आगे। आप बताइए बाबा, अगर इंडिया गठबंधन से सपा को टिकट मिल गया, सपा के कैंडिडेट को उतारा गया, तो आप कैसे उसका? इंडिया गठबंधन से जो भी आएगा जी, चाहे सपा के आए या कांग्रेस से, वैसे हम लोग चाहेंगे कि मनीष मिश्रा लोकल हैं, और सपा से भी अगर कोई आता है तो हम लोकल की मांग करेंगे। चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो माहौल बना है वो इंडिया गठबंधन के तरफ ज्यादा है, तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो जनता है, वो शायद जो वर्तमान की सरकार है वो उससे नाखुश है, उनके कामों से नाखुश है। तो आप बताइए आप अपने गांव में क्या समस्या देखते हैं? मेरे गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली बात तो मैं स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था है, मैं मिश्रा जी को मेरे घर वाले इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं जी, क्योंकि जो स्कूल है हमारा उसके संस्थापक वही रहे हैं। अच्छा, उसके हमारे स्कूल के बगल ही उनका घर भी है जी, इसलिए वो हमारे स्कूल को बहुत ही बेहतर कर रहे हैं, इसलिए हमारे घर के लोग और सभी सपोर्ट करते हैं। इसलिए गांव के जितने भी अभी इंटरव्यू लिए सभी लोग बोल रहे हैं मिश्रा जी होंगे, मिश्रा जी जी, इसलिए उनका बहुत योगदान है, इसलिए मैं चाहता हूं मिश्रा जी को सपोर्ट किया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहां के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी मिश्रा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो बाबा आप बताइए, जिस तरह से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया है, आपको नहीं लगता कि हाँ उसने अपनी बाजी मार दी है? नहीं, कुछ बाजी नहीं मारा है जी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। यहाँ सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन, अगर यहाँ से कांग्रेस को टिकट मिल गया भाई मनीष मिश्रा को, तो यहाँ आपका सुनिश्चित है जी, 101%। अच्छा, ये तो मतलब बीजेपी के कार्यों से आप खुश नहीं भी, लेकिन बीजेपी ने तो बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। अच्छा, ये बताइए इतनी महंगाई जी, आप भी एक पत्रकार हैं, आप बताइए कि आप कितने किलो आप दाल ले रही हैं, कितने आप चावल ले रहे हैं, राशन भी फ्री दे रहे हैं, वो आप 5 किलो में क्या अपना परिवार चला सकती हैं? आप
जब आप 5 किलो में आप अपना परिवार को एक भी व्यक्ति नहीं 5 किलो एक महीने खा सकता और कमाई कुछ नहीं है। आप आलू की दाम इस समय देख लीजिए 190 रुपए के 5 किलो मिल रहा है। आप एक हफ्ते में आप कितना आलू खाती हैं, एक दिन का कितना रेट है जी। तो सबसे बड़ी महंगाई और दूसरे यहाँ के साथ अभी आप तो थोड़ा सा वो है, अभी अगल बगल में दिखाएं इतने पशु हैं, इतना पशु है कि रात दिन 24 घंटा आपके सामने बना हुआ है। हमारे ठीक पीछे गंगा जी बह रहे हैं तो इतना पशु है, इनका कोई इंतजाम नहीं है। जो फसल होने नहीं पा रहे, जहाँ उड़द मनीझन मतलब ये सारी चीजें उत्पन्न होती थी, बाजरा होता था, ज्वार होता था, आज वो नामो निशान उसका मिट गया है जी। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है जी, उसका कोई सवाल है जी। चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है कि जिस तरह से बीएसपी ने अपना कैंडिडेट उतार दिया, तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन पे थोड़ा दबाव पड़ रहा है? देखिए मैम, हर पार्टियों का अपना एक फंडा है और हर पार्टियों का अपना एक ओपिनियन है और हर पार्टी अपना बेस्ट लेकर के आने की कोशिश करती है जी। बट आई थिंक हमें लोकल चीज को देखना चाहिए, क्योंकि देखिए लोकलिटी हम लोग मिश्रा जी को क्यों ओपन कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी ना तो किसी की पार्टी के सपोर्टर हैं, ना तो हमसे कांग्रेस से कोई मतलब है, ना तो हमसे सपा से कोई मतलब है, ना मुझे भाजपा से कोई मतलब जी, आपको व्यक्ति से मतलब है। मुझे व्यक्ति विशेष से मतलब है और उनकी कार्य प्रणाली से मतलब है जी। तो आपको क्या लगता है अगर मिश्रा जी आते हैं विधायक बनते हैं तो वो किस तरह से काम करेंगे? बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि देखिए इस गांव इस क्षेत्र में एक छोटा सा विद्यालय था जी, उसको बढ़ाते बढ़ाते बड़ा ले गए। इस क्षेत्र में उन्होंने उनके पिताजी श्री जे एन मिश्रा जी इतने लोगों को नौकरी दिए कि उन्होंने न जाति देखा न धर्म देखा, जो भी गया जाए ब्राह्मण गए और ठाकुर गए और लाला गए और भिल्ल गए SC ST यहाँ तक कि मुसलमानों को भी उन्होंने नौकरी दिया। तो क्षेत्र ये चाह रहा है कि अगर उनको मिलता है तो एक बार अगर वो आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होना संभावना है, उनसे प्रति वो आकर्षित है यहाँ की जनता, अगर वो आते हैं तो हमारे गांव का विकास होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि ये जो मनीष मिश्रा जी हैं वो यहाँ के लोकल है, इसलिए यहाँ की जनता उनको पसंद कर रही है। उनका ये कहना है कि हाँ, उनका ये यहाँ की जनता का कहना है कि उनका ये ग्राम सभा है तो हो सकता है कि यहाँ के लोगों के लिए वो अच्छा काम कर रहा है, जो यहाँ इस गांव में जो विकास नहीं हुआ है वो आगे बढ़ जाए। तो इस तरह के मुद्दे लेकर ये लोग आ रहे हैं, अपना इस तरह का मुद्दा रखेंगे उपचुनाव में। तो ये सब मुद्दे लेकर क्या आएंगे, ये वोट करने विकास का मुद्दा है और महंगाई का बड़ा मुद्दा है, और इनका ये कहना है कि इनका जो गाँव है वहाँ पे पशु का कोई सुविधा नहीं है, यहाँ के जो पशु हैं वो दिन रात टहलते रहते हैं जिससे लोगों को दिक्कत भी होती है बहुत सारी, फिर सड़क खराब है, तो यहाँ पे कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं है इस गांव में। उसके बाद महंगाई बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। तो ये लोग ये सारे मुद्दे लेके जाएंगे उपचुनाव में वोट करेंगे। और यहाँ जैसा कि हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तरफ रुख ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो अब बहुत वक्त बताएगा कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी पार्टी हारेगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि बसपा ने उतार दिया है कैंडिडेट लेकिन अभी एनडीए गठबंधन और इंडिया ने नहीं उतारा, तो देखते हैं उसमें से कौन उतरता है और कौन जीतता है, कौन बनेगा यहाँ फूलपुर का नया विधायक, वो तो देखने वाली बात होगी। तो चलिए ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MT Talks को फॉलो करते रहिए। मैं सुशील श्रीवेडी शर्मा के साथ फिर मिलेंगे, धन्यवाद।